प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर ताम्रध्वज साहू जैसे नेता किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इससे पार्टी को बहुत फर्क पड़ेगा। बता दें कि टीएस सिंहदेव ने बयान दिया था कि उन्हें इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। इस पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया था कि कांग्रेस बहुत बड़ी संस्था है, किसी एक आदमी के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात हुई थी, उनका कहना था कि मैंने कई चीजों को कहा था लेकिन मीडिया ने छांट के दो लाइन निकाल दी, मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था। वैसे इसमें कोई दो बात नहीं है कि सूर्योदय और सूर्यास्त होता रहेगा पृथ्वी पे, हम आएंगे, आप आएंगे, जाएंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, आपके बच्चे आएंगे, आपके नाती पोते आएंगे, वो भी आएंगे और चले जाएंगे, तो ये किसी के जाने से पृथ्वी का जो चक्र है ये रुकता नहीं। लेकिन ताम्रध्वज साहू जैसे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, मान लीजिए किसी कारण से वो नहीं लड़ते तो उनके यहाँ भी 10-20 लोग चुनाव के लिए दावेदार हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि ताम्रध्वज साहू जी जैसे वरिष्ठतम हमारे जनप्रतिनिधि, इतना उनका अनुभव, कई बार मंत्री के रूप में काम कर चुके, अपने समाज के अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा उन्होंने साहू समाज में प्रदेश में काम किया था, व्यापक समाज में भी उनकी बड़ी मान्यता है, तो ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर उनकी जगह लड़ने वाले तो 20 मिल जाएंगे, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? तो ताम्रध्वज, मेरी बात नहीं है, मेरे रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ताम्रध्वज साहू जी किसी कारण से अगर चुनाव नहीं लड़े, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि समाज में सक्रिय रूप से बहुत सालों से योगदान दे रहा हो, और यदि उनकी स्वीकारोक्ता है तो नहीं लड़ने से तो फर्क पड़ेगा। मेरे से बात करने वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें, और जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मीडिया को हम लोग इतना सम्मान देते हैं कि कभी भी कोई बात आती है तो हम लोग आदरपूर्वक जवाब भी रखते हैं सामने।